दुनिया में दो टाइप के कीड़े होते हैं, एक जो कोई काम नहीं करते और सिर्फ टीवी देखते हैं, और दूसरे जो इंटरनेट पे सिर्फ काम ही काम देखते हैं। ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। Yes. हमारे काम के वो लोग हैं जो दिन भर में काम करते हैं। नहीं, 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 इंडिया की आबादी इज ऑलरेडी 1.3 करोड़ एंड काउंटिंग। कंट्रोल बाजी। लेट मी रीफ्रेज दैट। हमारे काम के वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और अपने मेहनती दिमाग को ताजा रखने के लिए अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद इज पेन रिलीफ एंड द वे इट वर्क्स इज दैट द पेन वी इन्फ्लिक्ट मेक्स योर अदर पेन्स लुक कंफर्टेबली बेयरेबल। सो इन टुडेज एज ऑफ हाई स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेस, लव इज जस्ट अ फोर लेटर वर्ड। इट इज ओनली आवर बैड ह्यूमर दैट विल कीप यू अलाइव। कीप लाफिंग, लिव लॉन्ग। जय हिंद। जय हिंद। अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन हाल ही में इंडिया आए थे, पो गए। एक तो ऑस्कर नहीं मिला, ऊपर से वही ऑस्कर उनके एक्स वाइफ को दे दिया। दिस हैज टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स सेटलमेंट एवर। एनीवे, कैमरॉन साहब के बुरे दिन यहीं खत्म नहीं हुए, ऐसे दिन आ गए हैं कि इंडिया आना पड़ा उन्हें। सो सैड ना, अवतार जैसी फिल्म को ऑस्कर नहीं मिला और ऑस्कर ज्यूरी ने कहा अवतार को ऑस्कर मिलेगा पर 2154 AD में। वैसे इंडिया आकर कैमरॉन को यहाँ पे एनरॉन बहुत चलते हैं, इसलिए कैमरॉन को सबसे पहला शौक मायावती की 5 करोड़ की माला देखकर लगा। उनका कहना था, क्या इन्होंने भी कोई अवतार बनाई है? Well, Mr. Cameron, उन्होंने अवतार बनाई नहीं है, वो खुद अवतार है। इंडिया विजिट पर जेम्स कैमरॉन आमिर खान से भी मिले और आमिर ने उन्हें पकड़ के बोला, जेम्स, अच्छी फिल्म थी अवतार, अच्छी फिल्म थी। पर वो एक फिल्म था ना, जहाँ वो हीरो वो पक्षी पर बैठकर फर्स्ट टाइम उड़ता है, हाँ, उसमें थोड़ा लोचा था। यू नो, कोई भी फर्स्ट टाइम उड़ेगा ना तो उसका आगे वाला ये बाल है ना, ये इधर नहीं, उस डायरेक्शन में जाए। वैसे जेम्स कैमरॉन के साथ हुए इस डिनर में अर्जुन रामपाल भी उनसे मिले और अर्जुन रामपाल को देखकर जेम्स को पहले तो यही लगा कि पैंडोरा प्लेनेट का कोई पेड़ है जिसे वैसे तो ग्रीन होना चाहिए था पर रेंडरिंग बाकी है इसीलिए स्किन कलर का दिख रहा है। एनीवे, जेम्स से मिलते अर्जुन रामपाल ने उन्हें अपना ऑटोग्राफ दिया। यस, रामपाल का कहना था, बेचारे को ऑस्कर तक मिला नहीं, मुझे तो इस साल नेशनल अवार्ड मिला है। जस्ट चिल। बाद में बहुत एक्साइटेड अर्जुन रामपाल ने मीडिया को बताया कि कैमरॉन ने उनसे प्रॉमिस किया है कि उनको मतलब उनकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस रॉक ऑन देखेंगे और बताएंगे कि उनकी एक्टिंग कैसी लगी। और कैमरॉन ने कहा कि अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं अपनी उंगलियां काट कर तुम्हें भेज दूंगा, कसम से। अभी बाकी है हमारी मसालेदार लेट नाइट न्यूज, भूतनाथ और जयराम रमेश के इश्क की दास्तां इस ब्रेक के बाद। बाबा रामदेव ने कहा है कि ढोंगी बाबाओं को मौत की सजा दे देनी चाहिए और ढोंगी बाबाओं ने कहा,
हम तो रोज ही मरते हैं नई नई कन्याओं पर। रामदेव जी ने यह भी कहा है कि बाबा बनने के लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और ढोंगी बाबाओं ने कहा हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस तो है 3 इंच। ढोंगी बाबाओं से परेशान बाबा रामदेव ने सरकार से अपील की है कि बाबा बनने के लिए कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस भी बनाई जाए, और इस पर ढोंगी बाबाओं ने एक बार फिर कहा हम सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जी, वाइग्रा के पैकेट पर जितने ऑफिशियल गाइडलाइंस है एकदम एंड टू एंड फॉलो करते हैं। वैसे बाबाओं से याद आया, अपने नित्यानंद का वीडियो देखा जिसमें वो अपने कुकर्म से पहले एक पिल खाते हैं। देखिए पहले ये माना जा रहा था कि नित्यानंद स्वामी वाइग्रा खा रहे हैं, लेकिन अब उनका क्लैरिफिकेशन आया है कि कौन कमबख्त वाइग्रा खा रहा था, मैं तो मेमोरी लॉस पिल खा रहा था ताकि उस गंदे से कमरे में उतनी उदास लड़की के साथ कपड़े पहनकर किए गए सेक्स का एक भी पल मुझे याद ना रहे। देखा नहीं तुमने, मैं बार बार टीवी देखकर खुद को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। डोंट यू सी आई वॉज नॉट f***ing, आई वॉज f***ed up बैडली। ओके ओके नित्यानंद जी, ओके वी अग्री। वैसे नित्यानंद ने अपने क्लैरिफिकेशन में यह भी कहा है कि उन्हें कुछ खास याद नहीं है। He was in a trance. और इस पर प्रणव मुखर्जी ने कहा ए झूठ बोलता है शाला, एकदम झूठ है। He was not in trance. हमने कालकाता में ट्रांस देखा है, हम कालकाता में ट्रांस पे बैठा भी है। अरे ट्रांस सिर्फ कोलकाता में ही चलता है, हम तो उल्लू बना नहीं सकते। दिल्ली के टैबलॉइड मेल टुडे ने कहा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक विदेशी रिपोर्टर को तड़कते भड़कते SMS भेजे हैं। ओहो जयराम बाबू, हमें देसी खाने को बोलते और खुद बीटी के पीछे भाग रहे हो, नॉटी। अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग से आई ये जर्नलिस्ट जब जयराम रमेश का इंटरव्यू लेने गई तो मिनिस्टर साहब ने रूम्स की लाइट्स डिम करके रखी थी और सिर्फ अपने चेहरे पर एक स्पॉटलाइट डाली थी। नॉटी नॉटी बॉय। और स्पॉटलाइट में जयराम रमेश को देखकर रिपोर्टर पहले तो आई और फिर चिल्लाई और रूम से बाहर भाग गई, भूत भूत, इंदिरा गांधी का भूत बैठा है इधर। देखिए यार कोई भी डर जाए यार, पर यही तो है अच्छी सरकार की निशानी, जहां सारे मिनिस्टर्स में ऐसा हेल्दी कंपटीशन हो, एक तरफ चार्मिंग शशि थरूर है तो दूसरी तरफ ऑर्गेनिक जयराम रमेश। बचना ऐ हसीन जो मैं आ गया। हाँ जी, और अभी बाकी है हमारा शॉकिंग LNN लेट नाइट न्यूज एंड इवन मोर शॉकिंग भूतनाथ बार आफ्टर दिस ब्रेक। की IPL टीम्स किंग्स 11 पंजाब ने अपने एक पब्लिसिटी पोस्टर में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को IPL का वाइल्ड फैन बताया है। और इसके बाद प्रीति ने भी घर जाकर हेवल्स CFL जलाया। पाप सब करते हैं, थोड़ा पुण्य कमा लो। कुछ तो पुण्य कमा सकते हैं बिजली बचा के। सबसे ज्यादा बिजली बचाए। वहां वैसे कुछ एक्टिविस्ट नहीं माने और उन्होंने मोहाली स्टेडियम के बाहर जाकर धरना भी दिया, और एक एक्टिविस्ट ने तोड़फोड़ मचाते हुए दूसरे से पूछा ये भगत सिंह तो वही हुआ ना, वो बॉबी देओल की फिल्म वाला, ये बाकी दोनों कौन है?
ये और राजगुरी, राजगुरी कौन है? ऐसा भी कोई फ्रीडम फाइटर था क्या? मुझे तो बस गांधी जी आ गए। एक नई रिसर्च से पता चला है कि जॉगिंग करने से सेक्स लाइफ अच्छी होती है। यस यस, सैडली मिस्टेकन, आपकी नहीं आपके पार्टनर की। आप तड़के जूते उते पहन के जॉगिंग करने जाएंगे, पीछे से आपके पार्टनर का लवर आकर उसके साथ क्विक एक्साइटिंग सेक्स करके भाग जाएगा। और अब वक्त है आज की दिल दहला देने वाली लेट नाइट न्यूज एलएनएन का। देखिए, नमस्कार, लेट नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, कांग्रेस वर्कर के घर में उगे आलू में निकली राहुल गांधी की छवि। जी हाँ, कुदरत का करिश्मा, वल्ला रे वल्ला। अभी अभी मिली खबर के मुताबिक गाजियाबाद के एक युवा कांग्रेस वर्कर जयदेव नौटियाल के बगीचे में उगे आलू में से राहुल गांधी की छवि निकली है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर मौजूद है जयदेव नौटियाल खुद। हाँ तो जयदेव जी, ये आलू आपने कब बोया था? भाई तू मानेगा नहीं, अब पिछली बारी जब गाजियाबाद में राहुल गांधी आए थे ना, तो उनके पैरों की मिट्टी तार के मैंने बगीचे में डाल दी, उसके बाद मैंने आलू का बीज बो दिया। आप इस आलू का क्या करेंगे? भाई तू मानेगा नहीं, इसे तो भाई फ्रेम करवाएगा। बच्चे तो बोल रहे थे कि बापू सैंडविच बना दे आलू का, मैंने बैंड के अलमारी में बंद कर दिया। अच्छा, क्या राहुल गांधी ने इस घटना के बाद आपसे बात की? राहुल गांधी ने इस घटना के बाद आपसे कोई बात की कि नहीं की? हाँ हाँ, कल रात कोई बात हुई थी भाई। भाई तू मानेगा नहीं, सपने में आए थे, बड़ी प्यारी स्माइल लेके गए। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ कहा नहीं राहुल गांधी ने आपसे? क्या है? नहीं, कुछ कहा आपसे राहुल गांधी ने? कहा ना। क्या कहा था राहुल गांधी ने आपसे? बोले कि भाई अगली बारी धनिया उगाई हो, उसमें सोनिया जी की छवि दिखी है। और भाई तू मानेगा नहीं, कहा था कि अगली बारी गाजियाबाद से मुझे टिकट देंगे। हाँ, शुक्रिया जयदेव जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये है गाजियाबाद का राहुल गांधी आलू। अभी बाकी है, आप मानेंगे नहीं, ललित मोदी ने कहा तुम सब चूतिए हो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है, बहुत खुजला रहा है। वाह 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 वाह, फैंटास्टिक। सो अगर आपके बगीचे में भी ऐसी कोई सब्जी उगी है तो तुरंत कांग्रेस हाई कमांड से बात कीजिए। और अभी बाकी है भूतनाथ और गोवा में ड्रग्स बेचता हुआ नेपाली। ब्रेक के बाद देखता है साला क्या करता नेपाली। नेपाली को गोवा में ड्रग्स बेचते हुए पकड़ लिया है। पुलिस ने उसे पीटते हुए कहा, साले तुझे मालूम नहीं है गोवा में ड्रग्स सिर्फ गोवन बेच सकते हैं? वैसे मेरे समझ में नहीं आया, इसे ड्रग्स बेचने के लिए ये बहादुर को नेपाल से इतनी दूर गोवा आने की क्या जरूरत थी? बहादुर इतनी दूर आ गया, वो बहादुर वो गाना भी है, बहादुर मुझे चले जाना है, बहादुर मुझे चले जाना है, ओ बहादुर आ गया बीच में। बीच के स्टेट्स यूपी एमपी महाराष्ट्र के मर गए थे? ओ सॉरी, यूपी में तो सब ऑलरेडी स्टोन्ड है ना, ऐसे पुतले खड़े हैं सब स्टोन्ड। एमपी में आधे नक्सल है आधा जंगल है, बचा महाराष्ट्र। यहाँ इतना कॉम्पिटिशन है कि क्या कहें, गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाओ तो स्टेयरवे टू हेवन वाले पकड़ ही लेते हैं। कुलाबा का नाम बदलकर कोकेन लाबा हो जाना चाहिए। सर मैं भी भड़ास निकालने लगा, सर असली भड़ास तो यहाँ निकल रही है भाइयों। ये देखिए, भूतनाथ में लोग मोटर बाइक एड्स को 300 cc इंजन से भी खतरनाक आवाज में गालियां दे रहे हैं। जस्ट चेक दिस आउट, ये क्या फालतू एड बनाते हो बाइक का? क्या बाइक खरीदने वाले का दिमाग नहीं होता? ये तुम लोगों के हर एड में बाइक उड़ता क्यों है? हाँ, अगर बाइक उड़ाना ही है तो उसमें पहिया क्यों लगाए? मैंने देखा भैंस बाइक से डर कर भागी एक एड में, यू नो व्हाई?
उसको डर था कि तुम लोग उसको पकड़ लोगे और हेयर ऑयल की एड में भी डाल दोगे। मैंने पिताजी को इमोशनल ब्लैकमेल इसलिए किया था क्योंकि मुझे बाइक चाहिए थी और तुमने दिखाया था कि बाइक दिखाकर लड़की टर्न मारेगी, लड़की सारे अपने कपड़े उतार देगी, यहां तक कि नन भी हमसे प्यार करेगी। अबे घंटा, ये तुम लोग पहले स्टंट दिखाते हो फिर लिखते हो ये स्टंट सिर्फ इसी बाइक में हो सकते हैं, और फिर लिखते हो ये स्टंट को घर में ट्राई मत करना, हम साले चूती है, तेरा बाप चलाता है बाइक घर में, माधव बाप रे बाप बाप बाप। तो अगर आपके पास भी बाइक है और वो उड़ नहीं रही है और ना ही उसको देखकर सड़क पर चल रहे गाय भैंस डर के भाग रहे हैं और ना ही कोई सेक्सी लड़की आपके पास आकर सीड्यूस कर रही है, तो आप अपने कंप्लेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे भी हमारे कमेंट्स सेक्शन में आप लोग शो के अलावा हर चीज लिखते हैं। इनफैक्ट अब बस यही बाकी रह गया है कि कोई लिखे सुमित प्लीज सारा भाई वर्सेस सारा भाई के रोसेश की पालतू बिल्ली की एक्टिंग करके बताओ ना। गेट अ लाइफ गाइस, मूव ऑन, जय हिंद।